हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक क्लीनिंग वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी हाउ आई क्लीन माय हाउस फ्रॉम स्वीपिंग, डस्टिंग, मॉपिंग, वैक्यूमिंग, एवरीथिंग। बच्चे घर पे नहीं है तो बेस्ट टाइम है। जब एक दोनों में से एक भी घर पे होता है तब भी अच्छे से मैनेज हो जाता है, बट जब दोनों घर पे होते हैं तो आफत आई होती है घर पे, और हाउस क्लीन करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनके साथ, क्योंकि वो एक जगह पर टिक के तो बैठ नहीं सकते हैं बच्चे। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू शेयर माई वे ऑफ क्लीनिंग द हाउस। आई डू इट स्टेप बाय स्टेप, इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट्स वेरी क्विक, फास्ट एंड ईजी। So I hope you guys like this video and don't forget to like and subscribe to my video guys. For future notifications hit the bell icon, get please subscribe, thank you so much and keep on watching. और स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपके घर पे प्रॉपर लाइटिंग हो, कर्टेंस, ब्लाइंड सब आप अच्छे से हटा दीजिए और नेचुरल लाइट अंदर आने दीजिए। उससे प्रॉपर क्लियरली सब दिखाई देगा कि कहाँ पे डस्ट है, कहाँ पे कोई निशान लगे हुए हैं फ्लोर पे। तो लाइटनिंग प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे जो भी बच्चे टॉयज़ वगैरह नीचे गिरा देते हैं उनको क्लीन कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पे डस्ट करने लगी हूँ हमारे टेबल्स और जो भी चीज़ों पे कुछ ना कुछ बच्चे क्रम्स, जो बिस्किट्स वगैरह उनके हाथ वगैरह लगा देते हैं, जो कि हमें फ्लोर से एनीवे बाद में स्वीप या वैक्यूम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले उन चीज़ों को आप क्लीन कर लीजिए, ताकि जब आप वैक्यूम करो या स्वीपिंग करो तो वो चीज़ें भी साथ के साथ आप स्वीप आउट करते रहो और आपको दोबारा क्लीन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो कि सिर्फ और सिर्फ डस्ट होनी होती हैं चीज़ें, जैसे कि कबर्ड के डोर्स या किचन की वाइपिंग, वो सब हम आफ्टर वैक्यूमिंग या स्वीपिंग भी कर सकते हैं बिफोर डूइंग अ मॉपिंग। बट जहाँ पे कुछ भी गंदगी है या कोई भी क्रम्स हैं किसी चीज़ के या कुछ भी गिरा हुआ है, वो हमें सबसे पहले करने लेना चाहिए, ताकि हमारी जो भी जगह है वो प्रॉपरली क्लीन हो और सारे जो भी आउट जो सर्फेसिस हैं, टेबल्स हैं, वो सब क्लीन हो अच्छे से और जो भी क्रम्स हैं वो नीचे गिर जाएँ, ताकि हम उनको अच्छे से वैक्यूम कर पाएँ। और जो भी टेबल्स या जैसे कि ये बुफे या बार टेबल्स, जो भी विंडोज़ के पास रखी गई चीज़ें हैं, वहाँ पे अगर आप विंडोज़ ओपन करते हो तो कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल्स तो आ ही जाते हैं। तो उन जगहों को भी बिफोर डूइंग वैक्यूम क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और वही एंड में वही मकसद है कि हमारा जो भी डस्ट पार्टिकल्स हों वो नीचे गिर जाएं अच्छे से फ्लोर पे, और उसके बाद हम वैक्यूम करें और कोई भी डस्ट पार्टिकल्स बाद में अराउंड ना हो। और मीनवाइल्स जो भी टेबल्स या सोफ़ा के नीचे बच्चों ने टॉयज़ गिराए होते हैं या जो भी कुछ गिरा होता है, वो भी आप बिफोर अपनी मेन क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले उठा लोगे, तो आपको क्लीनिंग के टाइम पे बहुत इजी रहता है, क्योंकि आपको सिर्फ वैक्यूम या स्वीपिंग पे ही ध्यान देना होता है, ना कि हम पहले टॉयज़ उठाएं, उनको उनकी जगह पे रखें, फिर वैक्यूम करें। तो ये चीज़ बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो अगर हम कोई भी चीज़, जैसे अब मैं ये डाइनिंग टेबल क्लीन करने लगी हूँ, तो जो भी डाइनिंग टेबल पे मैं सामान रखती हूँ वो सबसे पहले उठा के टेबल बिल्कुल क्लियर करके उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, चेयर्स अच्छे से क्लीन कर लूँगी, फिर मैं जो भी चीज़ें उनके ऊपर पड़ी हैं उनको एक अच्छा सा वाइप दे के फिर उनके ऊपर टिका दूँगी। तो प्रॉपर वो सर्फेस क्लियर होना चाहिए, कोई भी चीज़ उसके ऊपर ना हो, तो आपके लिए क्लीनिंग करना उतना ही आसान और मज़ेदार हो जाता है, क्योंकि यू हैव द होल थिंग टू योर सेल्फ एंड मतलब कोई भी चीज़ नहीं पड़ी है, कोई डेकोरेशन पीस नहीं पड़ा है, और क्लीनिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो नेक्स्ट थिंग जो मैं फॉलो करती हूँ, जो भी कारपेट्स या छोटे मैट्स या बाथ मैट्स, जो भी चीज़ें फ्लोर पे रखी हुई होती हैं, उनको मैं क्लियर कर देती हूँ फ्लोर से एक बारी अच्छे से झाड़ के, ताकि उनके ऊपर भी जो डस्ट है वो भी हम क्लियर कर लें, और जो बाथ मैट्स हैं वो भी मैं उठा दूँगी। तो वही हमारा फ्लोर अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारी क्लीनिंग के लिए। और हमारे जो कुशन्स हैं बच्चे इधर उधर कर देते हैं, उनको भी एक बारी अच्छे से जगह पर टिका के रख देंगे। तो कुशन्स अगर अपनी जगह पे पड़े हों अच्छे से तो वो बहुत प्यारे लगते हैं एज़ इट इज़।
और यहाँ पे भी मैं जो भी चीज़ें जैसे ये थ्रो हैं इनको भी एक बारी अच्छे से सेट करके रख दूँगी, और थोड़ा सा झाड़ के कुशंस को थोड़ा सा फ्लफ करके रख दूँगी ताकि उनमें भी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी निकल जाएं। यहाँ पे वैक्यूम करने लगी हूँ, तो मैंने वैक्यूम के लिए यहाँ पे जब मैंने फुल हाउस वैक्यूम करना होता है तो मैं ये बड़े वाला वैक्यूम निकालती हूँ। और ये वैक्यूम हम फ्लोर बोर्ड्स, कारपेट्स, टाइल्स हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो बस सारा घर मैं वैक्यूम स्टार्ट करती हूँ, तो इसके 3 या 4 जगह एक्स पॉइंट्स हैं जो इसको डक्टिक वैक्यूम कहा जाता है। तो इसको मैं लगा लेती हूँ हमारी जो भी जगह है, और 2 जगह लगाने से ये पूरे घर पे मैं वैक्यूम कर पाती हूँ। और पहले जो हमारा कॉम वाला ब्रश होता है वैक्यूम में, वो वाला यूज़ करके, ताकि जो हेयर है मेरा, बहुत हेयर फॉल होता है यहाँ पे, तो वो भी ये अच्छे से स्वीप आउट और वैक्यूम कर पाए। और जो भी नीचे टेबल्स या हमारे सोफ़ा के अंडर बच्चों ने कुछ ना कुछ गिराया होता है, अगेन उसको भी अच्छे से वैक्यूम करना। ये देखिए सोफ़ा के अंडर से और टॉयज़ निकल रहे हैं जिन पे मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था, वो वैक्यूम के थ्रू सक्शन से उनसे मैं कैच कर लेती हूँ। और नीचे अच्छे से एक बारी मैं वैक्यूम भी मार दूंगी, और चेयर्स अच्छे से निकाल के अंडर द टेबल भी एक बारी अच्छे से वैक्यूम कर लीजिए। तो जब हम थिंग्स रिमूव करके अच्छे से सरफेस सारा क्लियर करके चीज़ें साफ़ करते हैं तो क्लीनिंग भी अच्छे से होती है और इजी भी हो जाता है, क्योंकि एक तो आपको बार बार वही बात है कि रिमूव नहीं करनी पड़ रही चीज़ें, और सरफेस क्लियर है तो आपकी एक रिदम में क्लीनिंग, जो क्लीनिंग की जो एक रिदम बनी होती है वो आप उसमें कंटिन्यूटी से कर पाते हो। तो यहाँ पे जिन कारपेट्स पे, स्पेशली जो किचन में मैट रखा होता है उन पे भी वैक्यूम करना होता है, तो मैं उनको रिमूव नहीं करती हूँ। और जो उनके कॉर्नर्स होते हैं, जो साइड में थोड़ा बहुत कुछ चला जाता है, उनको मैं छोटी अटैचमेंट से हमारे जो वैक्यूम क्लीनर की होती हैं उससे क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉर्नर्स में किचन में वाइल कुकिंग या कुछ भी क्रम्स नीचे इधर उधर चले ही जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप उन चीज़ों को क्लीन कीजिए अंडर द फ्रिज, और अगर आपका जो जो हम आपकी गैस वाली जगह होती है उसके नीचे भी अच्छे से क्लीन कीजिए। और अब यहाँ पे मैं रूम्स क्लीन कर रही हूँ, और जो ये मार्क्स आते हैं आफ्टर क्लीनिंग ये इतने सेटिस्फैक्ट्री होते हैं कि क्या बताऊँ मैं। इनको देख के पता नहीं इतनी खुशी मिलती है कि हाँ भाई, आज पूरा दिन मैं इनको निहारती हूँ जिस दिन मैं क्लीन करती हूँ। और ये देखिए, अब मैं यहाँ पे बाथरूम्स में टाइल्स पे भी ये बहुत अच्छे से सारे हेयर हर चीज़ रिमूव कर देता है। तो एक ही चीज़ है कि आप एक वैक्यूम उठाइए, और बहुत कम टाइम लगता है, 1/2 आवर हार्डली लगता है, पूरे घर में रूम्स प्लस सारा एरिया घर का क्लीन हो जाता है। और अब आ गई है बारी मॉपिंग की। तो हमारा जो घर है वो सारा मोस्टली टिम्बर है, सिर्फ बाथरूम्स में टाइल है। तो टिम्बर फ्लोर के लिए यहाँ पे मैं एक टिम्बर फ्लोर क्लीनर भी यूज़ करती हूँ, और उनको डालने से जो एक स्ट्रीक फ्री क्लीनिंग होती है वो होती है, कोई भी स्ट्रीक्स नहीं दिखाई देते फ्लोर पे। और बिल्कुल ड्राई मॉप यूज़ करना चाहिए टिम्बर फ्लोरिंग पे, नहीं तो वो फूल जाने का डर होता है। तो सबसे पहले मैं मंदिर से स्टार्ट करती हूँ हमारी क्लीनिंग, फिर स्टार्टिंग के घर से स्टार्ट करती हूँ मैं क्लीनिंग, और फिर जहाँ जहाँ वापस एंड तक मैं आती रहती हूँ मॉप करना। तो ये मॉप साथ के साथ बिल्कुल अच्छे से ड्राई होता रहता है, चाहे सर्दियाँ हैं चाहे गर्मियाँ हैं। मीनवाइल कभी अगर मुझे लगे कि बच्चे घर पे हैं, मुझे बिल्कुल जल्दी से ड्राई करना है, तो मेरी एक टिप है कि आप घर की कूलिंग या हीटिंग ऑन कर दीजिए सर्दी या गर्मी के मौसम के अकॉर्डिंग, और ये विद इन 2 मिनट्स आपका घर ड्राई हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप मॉप बिल्कुल ड्राई रखोगे तो एनीवे बहुत जल्दी आपकी जो फर्श है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। उसके बाद अब मैं ये किचन में आ गई हूँ, तो मैं वही दिखा रही हूँ कि अंडर द बेंच या अंडर द ये जो कुकटॉप है हमारा, उनके अंदर भी क्लीनिंग करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ गिर जाता है अगेन। और अंडर द टेबल्स, अंडर द सोफ़ाज, जब भी आप डीप क्लीनिंग घर की करें तो इन चीज़ों को मेक श्योर करें कि आप इनके अंडर भी क्लीनिंग करें अच्छे से। और अब यहाँ पे मॉप ड्राई हो चुका है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कितनी स्ट्रीक फ्री क्लीनिंग हुई है। तो अगर आप कुछ भी जैसे फ्लोर क्लीनर यूज़ करोगे तो उससे जो क्लीनिंग है वो भी इजी हो जाएगी, जो भी दाग धब्बे लग जाते हैं फ्लोर पे वो बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे, और बिल्कुल
ब्यूटीफुल क्लीनिंग आपको आपका बिल्कुल ब्यूटीफुल और ये टाइल्स पे भी बिल्कुल ब्यूटीफुली क्लीन करता है। यही था आज का मेरा होल हाउस क्लीनिंग वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट एंड फाउंड इट यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज। आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।